Good morning everyone. As you know that we are studying chapter balance of payment and we have studied the meaning and the difference between BOT and BOP. Today we are going to start with the components of balance of payment. There are two components. One is current account and capital account. Now what current account includes? Current accounts of BOP records all those transactions between the resident of the country and the resident of the world which do not cause a change. Dhyan mein rakhna, which do not cause a change in the assets and liabilities of. Ab yahan pe sirf government nahi aayega. Humne government budget wale chapter mein jo padha tha, does not create or reduce assets and liability status of the government padha tha. Lekin wo sirf government budget ki baat thi. But yahan pe complete balance of payment ki baat hai. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस किस का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, सबका. ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. सबसे पहला विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क. जो पहली चार चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, ये चारों के चारों आइटम्स हमारे करंट अकाउंट का पार्ट, और लास्ट में जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट, राइट. तो पहली चार चीज़ें हमारी हम यहाँ पे दोबारा से एक बार रीड करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स दैट मींस विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन. तो इसमें क्या हो जाता है, हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा ना. बैलेंस ऑफ ट्रेड किसकी बात करता है, सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट्स की बात करता है. सेम हियर, इन फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हैव अ मेजर शेयर. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो हमारा गुड्स का ही शेयर होता है और इसके अंदर इनफ्लो और जो हम लोग आउटफ्लो जो रिकॉर्ड करते हैं, किसका रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं. द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, जो हमने इम्पोर्ट किया उसकी जो पेमेंट है उसे क्या बोल देते हैं हम, आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज, जिसे हम डेबिट आइटम बोलते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव. ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, जो आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज है दैट इज काउंटेड एज द नेगेटिव आइटम, और ये जो है हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और जो हमारा जो भी इनफ्लो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, उसको पॉजिटिव आइटम बोलते हैं. इसको देखो, रिसिट्स, रिसिट्स का मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे जो हमको पैसा मिला, तो ये तो इनफ्लो होगा, ये पॉजिटिव साइड आएगा और क्रेडिट आइटम है. इसका जो बैलेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड. लाइकवाइज वील स्टडी मोर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड. अब सर्विसेज में क्या हो जाएगा, इनविजिबल आइटम्स की बात करते हैं, सोल्ड एंड परचेज. अब इनविजिबल आइटम क्या है, सर्विसेज. ठीक है, अगर पेमेंट है दैट मीन्स आउटफ्लो है, दैट मीन्स नेगेटिव और डेबिट साइड. रिसिट्स है तो इनफ्लो है, पॉजिटिव क्रेडिट साइड. और जो इसका बैलेंस होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बैलेंस होगा, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल या अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स, जो वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि हो गए गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेज. ठीक है, वन वे ट्रांजेक्शन्स जो भी हमारे होते हैं. इसमें क्या है, अगर रिसिट है तो इनफ्लो है, इनफ्लो इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. पेमेंट है, आउटफ्लो है नेगेटिव एंड डेबिट साइड. इसके बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. लास्ट है इसके अंदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड COE. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड COE का मतलब इनकम अर्नड, जैसे कोई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, या कैपिटल से आ रहा है, या हमने कोई अपनी कंपनी है उससे हमें कोई मिल रहा है, कोई काम पे सैलरी मिल रही है उस पे हो गया. तो इसमें रिसिट्स का मतलब जो भी पैसा आ रहा है. देखो इनफ्लो का मतलब ही पॉजिटिव और क्रेडिट साइड, और पेमेंट अगर हम कर रहे हैं आउटफ्लो नेगेटिव और डेबिट साइड. और इसका हमारा बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ इनकम इन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ इनकम इन करंट अकाउंट. ये सारे हमारा हो जाता है करंट अकाउंट का पार्ट. फाइनली करंट अकाउंट का हम लोग बैलेंस कैसे चेक कर देते हैं, इसको देख लो आप. इन करंट अकाउंट रिसिट्स क्या हो जाएगा, रिसिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो इनकम आ रही है, ये सब जो रिसिट्स है तो सब क्रेडिट होगा, पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि ये इनफ्लो है. पेमेंट है इम्पोर्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर है या इनकम पेड है, ये डेबिट होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज है.
जो नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस होगा वो होगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, जो भी डेबिट और क्रेडिट का जो नेट बैलेंस निकल के आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अगर हमारा क्रेडिट आइटम्स आर मोर, क्रेडिट आइटम्स मतलब पॉजिटिव आइटम्स आर मोर, दैट मीन्स इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, तो इसको बोलेंगे सरप्लस, इसे बोल देंगे नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स इनफ्लो ज्यादा है। डेफिसिट कब हो जाएगा, जब आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, व्हेन डेबिट आइटम इज मोर देन द क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम का मतलब नेगेटिव आइटम, व्हेन डेबिट आइटम इज मोर देन द क्रेडिट आइटम तो इसका मतलब नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट। आई होप द करंट अकाउंट इज क्लियर टू यू, एंड आफ्टर दिस वी विल बी स्टडिंग द कैपिटल अकाउंट। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कैपिटल अकाउंट, ओके? तो बिकॉज इफ यू विल स्टडी बोथ द अकाउंट ऑन से इन सेम वीडियो, इट मे क्रिएट अ कन्फ्यूजन। सो फर्स्ट यू गो थ्रू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, रिटेन इट इन योर माइंड, एंड देन वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल अकाउंट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर वंस।